नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम जा रहे ना वो मेरी बात सुनते। पहली बात ये है कि अमेरिका के आने से पहले आईएसआई ने रेजिस्टेंस का काम शुरू कर दिया हुआ और राहुल हक ने यह कहा था कि ये आए ना आए हमारी जिम्मेदारी, हमने करना क्योंकि हमारी जरूरत है। पहली बात, जिहादी कल्चर वाला किस्सा जो है वो अमेरिका ने चलवाया। तो गलत तो है सर, तो किसके हाथों से किया ना, हमारे रिजीम के जरिए से हुआ ना जनरल साहब। जिहादी लिटरेचर आया, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से बन बन की किताबें यहां पर लाई गई, हमारी रिजीम शामिल थी ना उसमें जनरल साहब। बात सुन लेना, बात सुन ले। नहीं, रिजीम ने, अगर आप ये कहते हैं कि फिरकावारियत जानबूझ के लाई गई, एक प्लान के तहत लाई गई, तो फिर आप गलत कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो सर, फिर सिर्फ एक ही फिरका क्यों नजर आया जियाउल हक साहब को, बाकी फिरके क्यों नजर नहीं आए? हसास मसला है अब जनरल साहब, बड़ा हसास मसला है। टीवी पे मैं ऐसे जगह है जहां पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई जनरल साहब, अब मसला हसास है। अब ये बात के ड्राइंग रूम में होते तो मैं आपसे खुल के करता, लेकिन अब ये अदान के शो में नहीं। जनरल साहब, वैसे मैं अमीर साहब की बात को इंडोर्स कर रहा हूं, जिस तरफ अमीर इशारा कर रहे हैं बात यही है सर। यहां फिरका वारियत प्रमोट हुई, यहां सिनेमा बंद हुआ, यहां थिएटर बंद हुआ, यहां लिटरेचर को आग लगा दी गई, यहां शायरों को और सहाफियों को कोड़े मारे गए, सोसाइटी रेडिकलाइज हुई ना, सब हुआ ना सर। ये सारी बातों का उससे क्या ताल्लुक है भाई? अगर सहाफी को कोड़े मारे उसने तो वो अपने इख्तदार को कायम रखने के लिए, तो गलत किया ना तो सर, गलत किया, वो गलत बहुत कुछ किया, लेकिन इसका अफगानिस्तान के इशू से क्या ताल्लुक है भाई? अकल को हाथ मारो ना यार, क्या बातें कर रहे सर। प्रमोट हुआ ना जिहादी कल्चर सर, अगर आप अपने नौजवानों को, यंग जनरेशन को रिलीजन में डाल देंगे और कल्चर से दूर कर देंगे, ट्रेडिशन से दूर कर देंगे। मेरी बात सुनो हैदर सर, अदनान, बात यह है अफगानिस्तान का किस्सा शुरू भी नहीं हुआ था तो ये लोगों को कोड़े मारने का काम शुरू कर दिया हुआ था इन्होंने। वो अपनी हुकूमत के लिए कर रहा था, वो इसके किस्से का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है भाई? नहीं सर, उसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ किया। अच्छा, एक ब्रेक लेने दे, मैं इस पे आता हूं सर, एक ब्रेक। कॉन्टेक्स्ट में अमीर बात कर रहे थे, हम उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लेके चलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इफ्तिखार साहब, आज आप एक जज का रोल प्ले करें सर, जनरल साहब, मैं और अमीर अब्बास साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ जियाउल हक ने किया वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किया और वो बिल्कुल ठीक किया, उसका अफगान जिहाद से या जिहादी कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ठीक नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक किया, मैंने कहा उसका अफगान जिहाद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए किया ना सर। तो आप मतलब जी इफ्तिखार साहब, ये तो मुझे 5 मिनट दे देना, मेरे हिस्से के 5 मिनट मुझे दे दो सर, मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगा सर। प्लीज प्लीज, देखिए बात ये है, जियाउल हक के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं 2021 में भी। मैं अपने नॉर्दर्न एरिया के अंदर आजादी से घूम नहीं सकता, मैं नॉर्दर्न एरिया के अंदर अपनी फैमिली के साथ बेखौफ और खतर जा नहीं सकता जैसे मैं माजी में जाया करता था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस दौर ने मेरे साथ क्या जुर्म किया है। जो उलमाए कयाम के चाहने वाले थे उनके हाथ में ज्यादातर कलम होती थी, ये मदरसा होता था और उसका माइक होता था, उनके हाथ में कलेशनकोव दी, हैंड ग्रेनेड दिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स दी, उनको रॉकेट लॉन्चर दिए और उनको इस काबल कर दिया। और जब आपने इस काबल कर दिया और फिर आपने ही तवक्को की बैठ के अपने अदारों में कि वो चुप करके घर वापस आ जाएंगे, वो हथियार छोड़ देंगे। जिस खेल में आपने उनको डाल दिया वो तो सोच नहीं सकते थे इतना पैसा मिल सकता है ट्रेड को काबू करने का, उन शराहों को काबू करने का जो अफगानिस्तान में से गुजरती हैं, उनको तो माल कमाना शुरू हो गया। फिर हेरोइन की स्मगलिंग में ये ट्रायंगल बन गई दुनिया की दूसरी, आप कमाल करते हैं, आप कहते हैं जहाज हो रहा था वो, और उस जहाज में क्या हुआ मुझे बताएं, उस जहाज का नतीजा क्या है? आप एक बात मेरी आज नोट कर लें, अमेरिका के जाने के बाद सबसे ज्यादा खतरा मुझे अपने मुल्क का है। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं 5 मिनट में कथा कलामी कर रहा हूं, मुझे माजरत के साथ, जनरल साहब ये बात कर रहे हैं और कई लोग ये बात करते हैं कि अगर उस वक्त ये सब ना किया होता तो रशिया काबिज हो चुका होता गर्म पानियों पे। मैं देखो अपना दोस्त, सवाल ही नहीं पैदा होता अदनान, इम्पॉसिबल था
ये इनकी गेम थी, ये इनकी खेल थी, जमात इस्लामी इस्तेमाल हुई, जमात इस्लामी के पोस्टर पैफलो उठा के देख लो, उन्होंने कहा कि अगर रूसी आ गए तो तुम्हारी बीवियां भी जो है मुश्तर का मलकियत बन जाएंगी। ये फजूल बात थी, गलत बात थी। और रूस को गए कितना साल गुजर गए यार, रूस तो कभी का चला गया, जब उसने लाश सिपाही ने दरियामू को पार किया कितने साल हो गए उसको गए, तो कौन सी यहाँ पे कौन सी 1989 वी आर टॉकिंग इन 2021 में बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है 1989 के बाद, कोई रूस बैठा हुआ है, रूस काबज है, रूस हमने हमलावर कर दिया, रूस अफगानिस्तान से घुसर के केपीके में दाखिल हो गया और वहां से बलूचिस्तान से होता हुआ समुद्र तक चला गया, सब झूठ था, सब झूठ था। ये बात 89 में जाने वाले आज भी इनके सर के ऊपर नाच रहे हैं। और मेरा मुझे बात करने दीजिए सर, बाद में आप इख्तलाफ कीजिएगा, मुझे खदशा है अमेरिका के जाने के बाद या अमेरिका के विड्रॉल के बाद जी। इन तालिबान को ये काबू नहीं कर सकेंगे, ये तालिबान बहुत जलमाना हरकत करेंगे। और फिर एक चीज जो खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, जिसकी तरफ जनरल साहब ने ब्रेक में बात की, नाम लिए बगैर मैं बात करूंगा, मुझे डर है जो इस खिते में रहने वाले लोग जो ड्यूरल नाइन को नहीं मानते, और ड्यूरल नाइन के बारे में सुन लीजिएगा, जनरल जब उमर था मुल्ला उमर हमारे फौजी और जिस लेफ्टिनेंट साहब का तल्लक है जिस अदारे से, उनके सरबरा ने जाके कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी ड्यूरल नाइन को तस्लीम कर लें, वो नहीं माना था। ये बहुत इस्लाम की बात करते हैं, नजरिए की बात करते हैं, एक कलमे की बात करके, किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी थी। और 1989 से लेके आज तक वहां पे कोई भी स्टेबल हुकूमत नहीं, और नहीं आएगी, उनको आदत पड़ गई है लूटपाट करने की। और अब देखिए काबुल में क्या लूटपाट होगी, अब चंद दिन ठहर जाए जरा, अगर इफ्तिखार साहब के पास अभी एक मिनट है सर, जनरल साहब इफ्तिखार साहब, आज वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगर तालिबान काबुल पर आए मैं उनके लिए बॉर्डर बंद कर दूंगा, ये इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है सर। यार क्या बात है अदनान, तू बड़ा प्यारा है, मेरी तरह का आदमी लगता है यार, तू इमरान खान का इतना मोहब्बत करने लग गया। उधर काबुल पे जाने वालों ने पाकिस्तान से होकर नहीं जाना, और पाई तो पिना नजदीक के देहातों में इकट्ठे हो गए हैं, अगर उन्होंने काबुल पे अटैक किया तो पाकिस्तान से जाने का जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से रास्ता नहीं मिलना उनको काबुल जाके फदा करने का। अच्छा जनरल साहब मैंने पूरे 6 मिनट आपको दे दिए सर, मुझे लेट मी फिनिश जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आज गवाह रहना आप दोनों नौजवान, और ये वीडियो को रिकॉर्ड में रखना, इफ्तिखार अहमद एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डिमांड कर रहा है टू प्रोटेक्ट मी माई लैंड माई पाकिस्तान इट्स ईच एंड एवरी इंच एंड फॉर दैट बिल्कुल सही। जनरल साहब इफ्तिखार साहब की बातों को इंडोर्स करते हुए सर, मैंने तालिबान के पिछले 2 सालों में मुआहदे के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इंटरव्यू किए हैं सर, मैं हर इंटरव्यू में कोशिश की कि तालिबान के रहनुमा जो दोहा में बैठे हैं वो कश्मीर पर बात करें सर, कश्मीर में होने वाले जुल्म पर बात करें सर, उन्होंने नहीं की, इनकार कर दिया, मेरे इंटरव्यू को बंद कराया, उसको एडिट कराया, उठ के चले गए, नाराज हो गए। तो तालिबान पे इतना सभी असर रसूख नहीं है हमारा सर, मैं इसका गवाह हूं। अब कमेंट कर दीजिए इफ्तिखार साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे सर। देखें हमारा असर रसूख उन पे बिल्कुल नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो इस्तेमाल करके उनको बातचीत के लिए बिठाए, और ये असर रसूख जो है वो रेसिप्रोकल होता है, अगर आप उनसे कोई मुतालबात ऐसे मनवाएंगे जो वो शायद ना मानना चाहें या उस पर उनसे अमल कराएं तो वो भी आपसे फिर वो मुतालबे करेंगे जो आप नहीं पूरे कर सकते। हमने ये वादे कहा है कि अगर तालिबान ताकत के जरिए काबुल पर कब्जा करेंगे हम उनकी हुकूमत या उनके कब्जे को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फसाद की जड़ हो गई। हमने ये कहा है कि आपको जब भी, देखिए पिछली दफा उन्होंने ताकत के जरिए काबुल पर कब्जा किया था, हम 3 मुल्क थे जिन्होंने उनको रिकग्निशन दी और हमने उनसे हर तरह के ताल्लुकात रखे, हमने तजारत भी की, उनकी मदद भी की, सब कुछ की। अब हमने ये कहा है कि अगर आप ताकत के जरिए काबुल जाएंगे ये तरीका पिछले वाला नहीं होगा, हम बाकी दुनिया के साथ खड़े हों, और ये जो पॉलिसी है ये रशिया चाइना और ईरान के साथ मशावरत के बाद है, आप उनको रिकग्निशन नहीं देंगे क्योंकि वहां होनी है लड़ाई, पे वो खाना जंगी की जड़ है, क्योंकि जो जो लोग तालिबान को पसंद नहीं करते वहां पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, अशरफ गनी है, वो हजारा का जो लीडर है, ये लोग उनके साथ लड़ेंगे, ये तो बिला वजह फसाद वो तो शुरू हो गया ना सर, इसमें तो अब गे वाला सीगा ही इस्तेमाल ना करें ना सर, अब तो शुरू हो गया काम। देखिए अभी तो उनका
कब्जा नहीं ना, अभी तो उनका काबुल पे कब्जा नहीं ना, हम तो वो बात करेंगे जब काबुल पे कब्जा करें, वो ऐलान करेंगे हमने हुकूमत बना दी, तो हम कहेंगे कि नहीं मान रहे हम आपकी हुकूमत, ये मैं बात करूं। अब दूसरी बात जो समझने की है, पख्तूनिस्तान का ढोंग था सिर्फ यहां फसाद खड़ा करने का। आप सोचिए पाकिस्तान में कोई सही शऊर, जी शऊर, कोई अकल वाला आदमी वो इस अफगानिस्तान जहां खाना जंगी रहती है उसका हिस्सा बनना चाहेगा? और अगर आजाद पख्तूनिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान क्या अपना हिस्सा पख्तूनों का छोड़ना चाहेगा? अफगानिस्तान के तो टूटे हो जाएंगे, नॉर्थ अफगानिस्तान जाके मिल जाएगा उनके साथ ताजिकिस्तान के साथ, ये पख्तून और रह क्या जाएगा? ये इस ढोंग को आप सिर्फ ये देखें कि ये फसाद है, और पाकिस्तान में अली मोहम्मद जान या लोगों को जाके पूछें अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहता कोई? ये पैसे मिलते हैं उसकी वजह से नारे लगवा देती, बोसन डबल पैसे लेता और लोग सारे वहां से पैसे खा रहे हैं और ये उनकी प्रॉक्सी नारा बोल रहे हैं। अगर आज इनको कह दिया जाए जा अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाओ, नहीं जाएंगे। जिस मुल्क में स्टेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है, दुनिया का बैकवर्ड तरीन है, रिश्वत है, वहां पे हर कोई गलत काम वहां पे हो रहा है, नार्कोटिक्स का खाता नहीं, आप उसका मानना चाहेंगे? सर जो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर कल को तालिबान भी वही नारे लगाने लग गए टीटीए वाले, तो देन वेयर वी स्टैंड सर? ये बात तो इफ्तिखार सब पूछ रहे हैं। मेरी मैं भी वही तुम्हें समझा रहा हूँ जी, टीटीए वाला नहीं करेगा, टीटीए वाला मैं बता दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं बात, ये हम नहीं देते, ईरान ने बहुत दिया है, पैसे दिए हैं। सवाल है पैसे भी देते हैं। एक वक्त था कि ईरान और इंडिया मिलकर जनरल साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप उन तालिबान से ये नहीं मना पा रहे कि वो दोहा में रॉ से मिल रहे हैं पिछले महीने में, ये बात आप नहीं मनवा पा रहे, आपके पास फोटोज हैं, आपके पास वीडियोस हैं, सीसीटीवी फोटो, फिर उनसे आप अगली बातें कैसे मनवाएंगे जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं सर? यार जो वो हमसे मनवाना चाहते हैं हम नहीं मान रहे। वो क्या मनवाना चाहते हैं? वो मनवाना ये चाहते हैं कि हम 100% उनको सपोर्ट करें, अशरफ गनी की बात ना सुने। हम ये कहते हैं कि जो जिसकी हुकूमत है वहां पे उसकी हम बात सुनेंगे, और हम ये कहते हैं कि आप तालिबान अकेले मामले नहीं बन सकते इस अफगानिस्तान के। जनरल साहब अदनान जी, जी इफ्तिखार साहब, अदनान जो जनरल साहब ने एक सवाल रेज किया है कि असल उनको ईरान से जा रहा है, मैं चाहूंगा अमीर अब्बास इस पे अपना नुक्ता निगाह से हमें आगाह करे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है, दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशन। सीरियस, मैं आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे देता हूँ, मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी है। ओ सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तो और भी बहुत कुछ लिखा होता है अमीर भाई, लिखा है बिल्कुल ठीक, हमने जो इस्तेमाल किया उनको उनकी फैमिलीज की वजह से किया है, और कोटा में जो कोटा शूरा उस शूरा उसकी वजह से किया है, उनके लीडर मारे गए, अगर हम धक्का देके बाहर निकालें। सर मैं जरा कमेंट अमीर साहब का भी इस पे ले लूं जरा, उनको दोहा में आने जाने के लिए सारा विजे और इन चीजों का इंतजाम हमने दिया है, आज वो फिर रहे हैं यहाँ पे हमारी वजह से, इसके अलावा हमारा कोई होल्ड नहीं है। इसी तरह टर्की में कुछ लीडर उनके, टर्की उनको फैसिलिटेट करता है, कुछ जर्मनी में है वो जर्मनी फैसिलिटी। देखिए अदनान अमीर साहब, जो कुछ दोहा में हो रहा है, जो कुछ इस्तांबुल में हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी वो नुक्ता था जो इफ्तिखार साहब ने उठाया कि जब ये अफगान जिहाद और ये अपने गर्म पानियों को बचाने के लिए, पता नहीं आपने गर्म पानियों से कौन सी को 30 साल से कमाई हासिल कर ली है जिनको बचाने के लिए आपने पूरे मुल्क के अंदर, जो पानियों का मसला नहीं है, बलोचिस्तान अलहदा हो रहा था, चले बलोचिस्तान अलहदा नहीं करके आपने बलोचिस्तान को कहां रख लिया जनरल साहब? आज बलोचिस्तान से जो तहरीकें उठी, आज बलोचिस्तान में बीएलए बन गई, बीएलए बन गई, लोगों की महरूमियों का अंदाजा करें, जहां से सुई गैस, जहां से गैस निकल रही सुई से वहां गैस तक नहीं पहुंचाई जा सकी। पहला जो विमेन यूनिवर्सिटी बनी बलोचिस्तान में वो 2005 में बन रही है सर। आज भी बलोचिस्तान खुद मुख्तियार नहीं है जनरल साहब, आज भी वहां इलेक्टेड मेंबर कुछ नहीं कर सकता। बात सुनो, क्या वो खुद बखुद ये सारा कुछ कर रहे थे? हर बिहार मरी किधर है? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अब मुझे पता है अगर आप में से कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे तो आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये अनकट आपको वर्जन चाहिए। अगर आपको अनकट वर्जन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस चैनल जो जिस न्यूज़ से ये लिया गया है, पब्लिक न्यूज़ से, पब्लिक न्यूज़ में अदनान हैदर का एक शो आता है, ये लगभग 25 तारीख के शो का, मतलब 25 जून के शो का ये क्लिप है। तो ज़्यादा कुछ क्लिप में मैंने काटा पीटा नहीं है, आप देख सकते हो फुल ही फुल है।
अब इसमें और बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि मतलब डेफिनेटली आप सुनना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही यूनिक तरीके का वीडियो था जिसमें पाकिस्तानी फौजी की फुल ऑन खुल कर ली गई। शायद मैंने इससे पहले इतना दिलेर टाइप का एंकर नहीं देखा है।